हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पनोरमा बुक के जो चैप्टर है द रेड ट्रैप, यानी कि द चूहेदानी जो चैप्टर है उसको आज हम रीड करेंगे, जिसके राइटर हैं सलमा लेजरलॉक। तो स्टूडेंट्स, अब हम शुरू करते हैं। देखिए, वंस अपॉन अ टाइम देयर वाज अ मैन, एक बार की बात है, एक व्यक्ति था हु वेंट अराउंड सेलिंग स्मॉल रेड ट्रैप्स ऑफ वायर, जो ज़्यादातर अपने चूहेदानियों को, जो कि तार की बनी हुई थी, चूहेदानियों को बेचने इधर उधर जाता था। ही मेड देम हिमसेल्फ एट ऑड मोमेंट्स, वह अपने कुछ खाली क्षणों में उन चूहेदानियों को खुद ही बनाता था। फ्रॉम द मटीरियल, उस सामान से, ही गोट बाय बैगिंग इन द स्टोर्स और एट द बिग फार्म्स, उस सामान से जिसको वह भीख मांग कर दुकानों से या बड़े बड़े जमींदारों के यहाँ से मांग कर बनाता था। बट इवन सो द बिजनेस वॉज नॉट स्पेशली प्रॉफिटेबल, लेकिन फिर भी उसका जो ये व्यापार था ज़्यादा मुनाफे वाला नहीं था। सो ही हैड टू रिसोर्ट टू बोथ बैगिंग एंड पेटी थाइवरी टू कीप बॉडी एंड सोइल टुगेदर, इसलिए उसने यह अपना जो चूहेदानी बनाने का काम था भीख मांगकर यह भी जारी रखा, और अपना जो चोरी का काम था वह भी जारी रखा, ताकि उसकी उसका शरीर और उसकी आत्मा दोनों साथ साथ काम कर सकें। इवन सो हिज क्लोथ्स वर इन रैग्स, यहाँ तक कि उसके जो कपड़े थे वो भी बिल्कुल फटे हुए थे, रैग्स यानी फटे पुराने कपड़े। हिज चीक्स वर शंकन, उसके जो गाल थे वो बिल्कुल गहरे लाल थे। एंड हंगर ग्लीम्ड इन हिज आईज, और उसकी आँखों से भूख दिखती थी। नो वन कैन इमेजिन, कोई भी व्यक्ति यह कल्पना नहीं कर सकता, हाउ सैड एंड मोंटोनस लाइफ कैन अपीयर टू सच अ वैगबॉन्ड। देखो, वैगबॉन्ड का मतलब होता है घुमक्कड़ प्रजाति का। कोई भी व्यक्ति यह कल्पना नहीं कर सकता है कि उसका जीवन कितना दुखी और कितना दुख प्रिय, मतलब दुखद था। हु प्लॉड्स अलोंग द रोड, वह हमेशा सड़क के किनारे डोलता रहता था। लेफ्ट टू हिज ओन मेडिटेशन, अपने ही ध्यान में, देखिए मेडिटेशन का मतलब होता है ध्यान, अपने ही ध्यान में इधर उधर घूमता रहता था। बट वन डे, लेकिन एक दिन, दिस मैन हैड फैलन इन टू ए लाइन ऑफ थॉट, यही व्यक्ति विचारों के एक लाइन में कूद पड़ा, यानी उसको विचार आने लगे। विच रियली सीम्ड टू हिम एंटरटेनिंग, ये जो विचार थे वह उसे बहुत ही ज़्यादा मनोरंजक दिखाई दिए। ही हैड नेचुरली बीन थिंकिंग ऑफ हिज रेड ट्रैप्स, वह प्राकृतिक रूप से अपने द्वारा बनाए जाने वाली चूहेदानियों के बारे में सोचने लगा। वहन सडनली, तभी अचानक, ही वाज स्ट्रक बाई द आइडिया, तभी उसको अचानक एक विचार आया, दैट की द होल वर्ल्ड अबाउट हिम, कि उसके बारे में ये पूरा संसार, द होल वर्ल्ड विद इट्स लैंड एंड सीज, पूरा ये संसार अपनी ज़मीन और अपने समुद्रों के साथ, इट्स सिटीज़ एंड विलेजेस, इसके शहरों और गांवों के साथ, वाज नथिंग, कुछ नहीं था, बट अ बिग रेड ट्रैप, उसने माना कि ये पूरा संसार कुछ नहीं है, केवल एक चूहेदानी है। इट हैड नेवर एग्जिस्टेड फॉर एनी अदर पर्पस, यह संसार कभी दूसरे उद्देश्य के लिए आगे नहीं बढ़ता है, देन टू सेट बैट्स फॉर पीपल, यह केवल लोगों के लिए शर्तें बनाता है। इट ऑफर्ड रिचेज एंड जॉयज, यही संसार है जो हमें धनवान बनाता है, हमें आनंद देता है। शेल्टर एंड फूड, हमें शरण देता है, हमें भोजन देता है। हीट, हमें गर्मी देता है। एंड क्लोथिंग, और हमें कपड़े देता है। एग्जैक्टली एज द रेड ट्रैप, बिल्कुल वैसे ही जैसे एक चूहेदानी ऑफर्ड चीज़, पनीर उपलब्ध कराती है, एंड पोर्क, और मांस उपलब्ध कराती है, एंड आजस, एंड एज सून एज एनीवन लेट हिमसेल्फ टू टेम्प्टेड टू टच द बैट, जैसे ही कोई व्यक्ति इसके तार को छूता है और उसे प्राप्त होता है, उसी प्रकार से ये संसार को जो कोई व्यक्ति छूता है उसे भी वही चीज़ प्राप्त होती है। इट क्लोज्ड इन वन ऑन हिम, और जैसे एक चूहेदानी में तार में लगा हुआ पनीर का टुकड़ा या मांस का टुकड़ा चूहा छूता है और वह बंद हो जाती है, उसी प्रकार से जो संसार है उसमें जो व्यक्ति जिस तरफ जाता है और उसे पकड़ता है,
तो वो संसार उसे अपने में समेट लेता है। एंड देन, और फिर एवरीथिंग केम टू एन एंड, हर चीज़ एक अंत की तरफ आ जाती है। द वर्ल्ड हैड ऑफ कोर्स, वास्तव में ये जो संसार है, नेवर बीन वेरी काइंड टू हिम, उसके प्रति कभी भी दयालु नहीं रहा। सो इट गेव हिम अनवॉन्टेड जॉय टू थिंक इल, इसलिए इस संसार ने उसे हमेशा कभी ना चाहा जाने वाली ये सोच दी है, जो उसे हमेशा बीमार सोचने पर मजबूर करती है। ऑफ इट इन दिस वे, इस तरीके से, इट बिकेम अ चेरिश्ड पास्ट टाइम ऑफ हिज, यह उसका एक बीता हुआ समय था। ड्यूरिंग मैनी ड्रेयरी प्लॉडिंग, उसने बहुत से ऐसे काम किए। टू थिंक ऑफ पीपल, लोगों के बारे में सोचकर, ही न्यू, वह जानता था, हु हैड लेट देम सेल्व्स बी कोट इन द डेंजरस स्नेयर, कि जिस किसी ने भी अपने आप को इस संसार में छोड़ दिया है, वह इस संसार रूपी बड़े जाल में निश्चित रूप से डेंजरस यानी खतरनाक, और स्नेयर यानी जाल, इस डेंजरस यानी खतरनाक जाल में जरूर फंसेगा। एंड ऑफ अदर्स, और दूसरे व्यक्ति, हु वर स्टिल सर्कलिंग अराउंड द बैट, जो अभी भी इस संसार के चारों तरफ चक्कर काट रहे हैं, वो भी। वन डार्क इवनिंग, एक गहरी काली रात, शाम को, एज ही वाज ट्रजिंग अलोंग द रोड, जब वह अकेला सड़क के किनारे चल रहा था, ही कोट साइट ऑफ ए लिटिल ग्रे कॉटेज, उसने एक छोटी सी भूरे रंग की कुटिया देखी। कॉटेज का मतलब होता है कुटिया, बाय द रोड साइड, सड़क के किनारे। एंड ही नॉक्ड ऑन द डोर टू आस्क शेल्टर फॉर द नाइट, उसने दरवाज़ा खटखटाया और रात्रि बिताने के लिए शरण मांगी। नोर वाज ही रिफ्यूज्ड, इंस्टेड ऑफ द सोर फेसेस विच ऑर्डिनरी मेट हिम, द ओनर हु वाज एन ओल्ड मैन, किसी ने भी उसको रिफ्यूज़ नहीं किया, मतलब उसे भगाया नहीं। इंस्टेड ऑफ द श्योर फेसेस, उसे एक ऐसे उन व्यक्तियों के चेहरे दिखाई दिए, विच ऑर्डिनरी मेट हिम, जो उसे आसानी से मिल गए, द ओनर, उस घर के जो स्वामी थे, हु वाज एन ओल्ड मैन, जो कि एक वृद्ध आदमी था, विदाउट वाइफ और चाइल्ड, उसके ना तो पत्नी थी ना बच्चे थे। वाज हैप्पी टू गेट समवन टू टॉक टू हिज इन हिज लोनलीनेस, और वह व्यक्ति भी ये चाहता था कि उसके अकेलेपन का, उससे अकेलेपन में कोई बातें करने वाला हो। इमीडिएटली, तुरंत, ही पुट द पोरिज पॉट ऑन द फायर, देखिए यहाँ पे जो ये पोरिज वर्ड दिया गया है, इसका अर्थ होता है दलिया। तो उसने, जो वृद्ध व्यक्ति था, जो मेजबान था, उसने एक दलिया, उस भूखे व्यक्ति के लिए दलिया बनाने के लिए एक दलिए का बर्तन आँच पर चढ़ा दिया। एंड गेव हिम सपर, और उसे रात्रि का भोजन भी कराया। देन ही कार्व्ड ऑफ सच अ बिग स्लाइस फ्रॉम हिज टोबैको रोल, फिर उसने अपने तंबाकू के रोल में से एक बड़ी फांक काटी। दैट इट वॉज इनफ बोथ फॉर द स्ट्रेंजर्स पाइप एंड हिज ओन, इतना बड़ा टुकड़ा काटा जो उस अजनबी और उसकी खुद की पाइप के लिए पर्याप्त थी। फाइनली ही गोट आउट एन ओल्ड पैक ऑफ कार्ड्स एंड प्ले, और अंत में उसने अपने जेब से एक ताश के पत्तों का डब्बा निकाला। प्लेड मजलिस, और वो मजलिस का गेम खेलने लगे विद हिज गेस्ट, अपने मेहमान के साथ, अनटिल बेड टाइम, सोने के समय तक। द ओल्ड मैन वाज जस्ट एज जेनरस विद हिज कॉन्फिडेंसेस, जो वृद्ध व्यक्ति था उसे अपने पर पूरा विश्वास था, एज विद हिज पोरिज एंड टोबैको, और उसे अपने दलिए और तंबाकू पर भी पूरा विश्वास था। द गेस्ट वॉज इन्फॉर्म्ड एट वंस दैट, मेहमान को एक बार यह सूचना भी दी गई कि इन हिज डेज ऑफ प्रॉस्पेरिटी, कि जब वह वृद्ध व्यक्ति काफ़ी समृद्ध था, प्रॉस्पेरिटी का मतलब समृद्ध था, जब वह समृद्ध था, हिज होस्ट हैड बीन अ क्रॉफ्टर एट रामजसो आयरन वर्क, कि एक बार उसका मेजबान बना था एक क्रॉफ्टर नाम का व्यक्ति था, जो कि रामसजो मिल में काम करता था, एंड हैड वर्कड ऑन द लैंड, और उसी की भूमि पर काम करता था। नाउ दैट ही वॉज नो लॉन्गर एबल टू डू डे लेबर, लेकिन अब वह पूरे दिन काम करने के समर्थ में नहीं था। इट वॉज हिज काउ विच सपोर्टेड हिम, यह उसकी गाय थी जिसने उसका सहारा सहायता की। यस, हाँ,
दैट बॉसी वॉज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, वास्तव में वह व्यक्ति कुछ असाधारण था। शी कुड गिव मिल्क फॉर द क्रीमरी एवरी डे, वह एक ऐसी गाय थी जो रोज़ाना बहुत मलाईदार दूध देती थी। एंड लास्ट मंथ, और पिछले महीने ही हैड रिसीव्ड ऑल ऑफ 30 kroner इन पेमेंट, और लास्ट मंथ यानी पिछले महीने ही उसे उसके बदले में 30 kroner यानी कि 30 kroner मिले थे उसके पेमेंट के रूप में। द स्ट्रेंजर मस्ट हैव सीम्ड इनक्रेडुलस, जो अजनबी था वह उन रुपयों के प्रति बहुत ज़्यादा उत्सुक था। फॉर द ओल्ड मैन गोट अप, इसीलिए वह वृद्ध व्यक्ति उठा। एंड वेंट टू द विंडो, और खिड़की के पास गया। टुक डाउन अ लेदर पाउच, उसने एक लेदर का पाउच वहाँ से उतारा। लेदर का पाउच मतलब एक लेदर का बैग था, उसे वहाँ से उतारा। विच हंग ऑन ए नेल इन द वेरी विंडो फ्रेम, जो कि खिड़की की फ्रेम से एक कील से लटक रहा था। एंड पिक्ड आउट 3 wrinkled 10 kroner bills, और उसमें से उसने 10 kroner जो बिल थे जिन पे झुर्रियाँ पड़ी हुई थी वो निकाले। रिंकल्स का मतलब होता है झुर्रियाँ पड़ना। दीज ही हेल्ड अप बिफोर द आइज ऑफ हिज गेस्ट, उसने ये सारा काम अपने मेहमान की आँखों के सामने किया। नोडिंग नोविंगली, अपना सिर ये जानते हुए हिलाते हुए। एंड देन स्टफ्ड देम बैक इन टू द पाउच, और फिर उसने वो सारे पैसे वापस से उसी पाउच में रख दिए। द नेक्स्ट डे, अगले दिन, बोथ मैन गोट अप इन गुड सीजन, दोनों ही व्यक्ति अच्छे मौसम में उठे। द क्रॉफ्टर वाज इन अ हरी टू मिल्क हिज काउ, क्रॉफ्टर जो था उसे अपनी गाय का दूध निकालना था। एंड द अदर मैन प्रोबेबली थॉट ही शुड नॉट स्टे इन बेड, और दूसरा जो व्यक्ति था उसका मेहमान, उसने सोचा कि उसे भी अब बिस्तर में नहीं रहना चाहिए। वहन द हेड ऑफ द हाउस, जब घर का मालिक ही हैड गोटन अप, उठ गया है। दे लेफ्ट द कोटेज एट द सेम टाइम, उन दोनों ने ही जो कुटिया थी वो बिल्कुल एक जैसे समय पर छोड़ी। द क्रॉफ्टर लॉक्ड द डोर, क्रॉफ्टर ने दरवाजे पर ताला लगा दिया। एंड पुट द की इन हिज पॉकेट, और दरवाजे के लॉक की चाबी अपनी जेब में रख ली। द मैन विद द रेड ट्रैप्स सेड गुड बाय, जिस व्यक्ति के पास चूहेदानी थे उसने अपनी चूहेदानी ली और उसको अलविदा कही। एंड थैंक यू, और धन्यवाद दिया। एंड देयर अपॉन ईच वेंट हिज ऑन वे, और इस तरह से दोनों अपने अपने रास्ते पर चल दिए। बट हाफ एन आवर, लेकिन लगभग आधे घंटे बाद ही द रेड ट्रैप पेडलर, वह चूहेदानी विक्रेता, स्टूड अगेन बिफोर द डोर, उसी दरवाजे के सामने आकर खड़ा हो गया। ही डिड नॉट ट्राई टू गेट इन, उसने अंदर घुसने का प्रयास नहीं किया। हाउ एवर, फिर भी, ही ओनली वेंट अप टू द विंडो, वह केवल उस खिड़की के पास गया। स्मैश्ड अ पैन, एक शीशे को हटाया, पैन यानी शीशा, जो खिड़की का शीशा होता है, उस शीशे को सरकाया। स्टक इन हिज हैंड, अपना हाथ अंदर डाला। एंड गोट होल्ड ऑफ द पाउच विद द 30 kroner, और वह थैला या बैग जिसमें 30 kroner रखे हुए थे उस थैले को लेने का प्रयास किया। ही टुक द मनी, उसने वो थैला लेकर उसमें से वो 30 kroner निकाल लिए। एंड थ्रस्ट इट इन टू हिज ऑन पॉकेट, और उन 30 kroner को उसने अपने जेब में रख लिया। देन ही हंग द लेदर पाउच वेरी केयरफुली बैक इन इट्स प्लेस, फिर उसने वह लेदर का बैग वापस अपने स्थान पर बहुत सावधानी से रख दिया। एंड वेंट अवे, और वहाँ से चला गया। एज ही वॉक्ड अलोंग विद द मनी, जैसे ही वह उन रुपयों के साथ चल रहा था, इन हिज पॉकेट, अपनी जेब में लिए हुए, ही फेल्ट क्वाइट प्लीज्ड, उसे बड़ी खुशी अनुभव हो रही थी विद हिज स्मार्टनेस, अपनी चतुराई से। ही रियलाइज्ड, उसने महसूस किया, ऑफ कोर्स, निश्चित रूप से, दैट की एट फर्स्ट ही डेयर्ड नॉट कंटिन्यू ऑन द पब्लिक हाईवे, एट फर्स्ट कि सबसे पहले ही डेयर्ड नॉट, उसमें इतना साहस नहीं था, कंटिन्यू ऑन द पब्लिक हाईवे कि वह सार्वजनिक रास्ते पर चलता रहे। बट मस्ट टर्न ऑफ द रोड, उसे यहाँ सड़क से मुड़ जाना चाहिए। इन टू द वुड्स, जंगलों के रास्ते से उसे जाना चाहिए। वुड्स का मतलब होता है जंगल। ड्यूरिंग द फर्स्ट आवर्स दिस कॉज्ड हिम नो डिफिकल्टी, अगले कुछ घंटों तक तो उसे कोई दिक्कत नहीं आई। लेटर इन द डे, लेकिन आगे जैसे जैसे दिन आगे बढ़ा, इट बिकेम वर्स, उसके लिए सब कुछ बुरा ही होता गया। फॉर इट वॉज ए बिग एंड कन्फ्यूजिंग फॉरेस्ट,
क्योंकि जिस रास्ते पर वह चल रहा था उस जंगल का रास्ता बहुत ही ज़्यादा विचलित करने वाला था और बड़ा था, विच ही हैड गोटन इंटू। अब वह उस जंगल के रास्ते में फंस चुका था। ही ट्राइड, उसने प्रयास किया, टू बी श्योर, अपने आप को विश्वस्त करने का, टू वॉक इन ए डेफिनेट डायरेक्शन, कि मुझे एक निश्चित दिशा में चलना है, बट द पाथ्स, लेकिन वो रास्ते ट्विस्टेड बैक, बार बार उसे वहीं लाकर खड़ा कर देते, एंड फोर्थ सो स्ट्रेंजली, अब उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो कहाँ जाए। ही वॉक्ड एंड वॉक्ड, वह चलता गया विदाउट कमिंग टू द एंड ऑफ द वुड, लेकिन जंगल का अंत कहीं तक भी नहीं आया। एंड फाइनली, और अंतिम रूप से, ही रियलाइज, उसने महसूस किया दैट कि ही हैड ओनली बीन वॉकिंग अराउंड इन द सेम पार्ट ऑफ द फॉरेस्ट, कि शायद वह इस जंगल के एक ही रास्ते पर बार बार घूम रहा है। ऑल एट वंस, तभी ही रिकॉल्ड हिज थॉट्स, उसे अपनी विचारधाराएं याद आई, अबाउट द वर्ल्ड, इस संसार के बारे में, एंड द रैट ट्रैप, और इस चूहेदानी के बारे में। नाउ हिज ओन टर्न हैड कम, अब इसका खुद का नंबर आ चुका था। ही हैड लेट हिमसेल्फ बी फूल्ड बाई ए बैट, लगता है उसे ही किसी बात के द्वारा मूर्ख बना दिया गया था, एंड हैड बीन कोट, और वही उस चूहेदानी में फंस गया। द होल फॉरेस्ट, वह पूरा जंगल, विद इट्स ट्रंक्स एंड ब्रांचेज, अपने तनों और शाखाओं के साथ, इट्स थिकेट्स एंड फैलन लॉग्स, उसके मोटे और गिरे हुए लट्ठों के साथ, क्लोज्ड इन अपॉन हिम, उसी पर बंद हो रहा था, लाइक एन इम्पेनट्रेबल प्रिजन, एक बाहर ना निकालने वाली जेल की तरह। प्रिजन का मतलब होता है जेल। फ्रॉम विच ही कुड नेवर एस्केप, एक ऐसी जेल जिससे वह कभी नहीं बच सकता था। इट वॉज लेट इन दिसंबर, यह दिसंबर के अंत की बात है। डार्कनेस वॉज ऑलरेडी डिसेंडिंग ओवर द फॉरेस्ट, अंधेरा पहले से ही जंगल में छा रहा था। दिस इंक्रीज द डेंजर, इससे खतरा बढ़ रहा था, एंड इंक्रीज आल्सो हिज ग्लूम एंड डिस्पायर, उसकी निराशा और उसका दुख और ज़्यादा बढ़ रहा था। फाइनली, अंत में, ही सा नो वे आउट, उसे बाहर जाने का कोई रास्ता नहीं दिखा, एंड ही सैंक डाउन ऑन द ग्राउंड, और वह जमीन पर बैठ गया। टायर्ड टू डेथ, और वह मृत्यु के सामने झुक गया। थिंकिंग दैट, यह सोचते हुए कि हिज लास्ट मोमेंट हैड कम, कि उसका अंतिम क्षण पास आ गया है। बट जस्ट एज ही लेड हिज हैड ऑन द ग्राउंड, लेकिन जैसे ही उसने अपना सिर जमीन पर लगाया, ही हर्ड ए साउंड, उसने एक आवाज़ सुनी, ए हार्ड रेगुलर थम्पिंग, एक बहुत तेज धम धम की आवाज़। देयर वॉज नो डाउट, इसमें कोई संदेह नहीं था, एज टू व्हाट दैट वॉज, कि आखिर वह क्या था। ही रेज्ड हिमसेल्फ, उसने अपने आप को उठाया। दोज आर द हैमर स्ट्रोक्स, हैमर का मतलब होता है हथौड़ा, स्ट्रोक का मतलब चोट, ये एक हथौड़े की चोटें थी, फ्रॉम एन आयरन मिल, जो कि एक लोहे की मिल में से आ रही थी, ही थॉट, उसने सोचा। देयर मस्ट बी पीपल नियर बाई, शायद यहाँ पे पास में ही कोई लोग हैं। ही सम्मोन्ड ऑल हिज स्ट्रेंथ, उसने अपनी पूरी शक्ति बटोरी, गोट अप, उठा, एंड स्टेगर्ड इन द डायरेक्शन ऑफ द साउंड, और जिस दिशा से आवाज़ आ रही थी वहीं पे चल दिया। द रामजो आयरन वर्क्स, वह वही मिल थी जिसका नाम रामजो आयरन वर्क्स था, विच आर नाउ क्लोज डाउन, जो अब बंद कर दी गई थी। वर नोट सो लॉन्ग अगो, अभी उसे ज़्यादा समय नहीं हुआ था, ए लार्ज प्लांट, यह एक बहुत बड़ी जगह थी, विद स्मेल्टर रोलिंग मिल, इसमें एक गोल गोल घूमने वाली मिल थी, एंड फोर्ज, और एक भट्टी थी। इन द समर टाइम, गर्मी के समय में, लॉन्ग लाइन्स ऑफ हैवीली लोडेड बार्जेस एंड स्कोव्स स्लाइड डाउन द कैनल, यहाँ पे बड़े बड़े काम होते थे, विच लेड टू ए लार्ज इनलैंड लेक, जो कि एक बहुत बड़ी झील की तरफ ले जाते थे। तो स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम इसका जो रेस्ट पार्ट बचा है वो आपको पढ़ाएंगे, तब तक के लिए थैंक्स।